लाइव एक और भी आना था कि कल विराट कोहली जी ने भगवान का बराबरी किया, यानी हमारे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर जी। तो जिंदगी में एक चीज मुझे सीखने को मिला उनसे कि अगर आपके पास मेहनत हो ना, तो भगवान उसी को देता है जिसके पास करने की क्षमता होती है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम, क्योंकि मेरे पास तो जीरो भी नहीं था और हम लोगों ने मैंने कोशिश की और आप लोगों का प्यार पाया। तो इस जिंदगी में कोशिश से बहुत कुछ उपलब्धि मिल सकती है आप सबको, चाहे जिस दिशा में आप लोग कहते हैं ना कि अगला ज्ञानी है, पढ़ेंगे तब तो ज्ञानी बनेंगे, बिना पढ़े कहाँ से ज्ञानी बन पाएंगे आप। और उस किताब का हिस्सा बनना तो और मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो जिंदगी में कल विराट कोहली जी ने ये समझाया कि आप मेहनत करो, कोशिश करो, तो दुनिया में कोई रिकॉर्ड टूटने में और तोड़ने में देर नहीं लगती है। रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा मेहनत करोगे तभी आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ पाओगे। और क्रिकेट के गॉड जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी, जो 49 शतक उनके हैं, 49 शतक, और उसकी बराबरी करना ये छोटी बात नहीं होती है किसी भी इंसान के लिए। किसी की भी बराबरी करना छोटी बात नहीं, क्योंकि वो कर चुका है, आपको करना है, तो टॉप जॉब है वो। बट बहुत अच्छा लगा उनसे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कल का शतक देखने के बाद मुझे लगा जे नहीं, मुझे और मेहनत करना है, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए आप घर में बैठ के तो इतिहास नहीं बना सकते। आपको, आप घर छोड़ते हैं तो गांव के लोग प्यार करते हैं, गांव छोड़ते हैं तो आपके पंचायत के लोग प्यार करते हैं, और पंचायत छोड़ते हैं ना तो ब्लॉक स्तर पे आपको दुनिया जानती है। तो जिंदगी में घर को छोड़ना पड़ेगा आपको, मतलब कि घर छोड़िए, घर के बनाए हुए रिश्तों को मत छोड़िए, अपने माँ बाप को मत छोड़िए, अपने पत्नी को मत छोड़िए, अपने भाइयों को मत छोड़िए, अपने लोगों को मत छोड़िए। आप घर छोड़िए और दुनिया को परिवार बनाइए। उस परिवार के साथ साथ एक और परिवार है जो दुनिया में है, जो दुनिया के परिवार को अपना बनाकर अपनी जिंदगी को चलाइए और अपना एक अलग स्टेटस बना लीजिए। क्योंकि लोग चाहेंगे ना तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लोग आपको प्यार करेंगे तो दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे आप। और लोगों का प्यार ही है कि मेरे पास जीरो नहीं था लेकिन मैं हीरो बन गया। रीजन ये था कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद स्नेह मुझे इतना मिला कि मैं आज जो भी हूँ आप सबके प्यार के बदौलत हूँ। लेकिन कल का जो शतक था मेरे, मुझे और ऊर्जा दिया और मुझे करने का एक प्रेरणा स्रोत जो होता है ना वो भर दिया कि नहीं मुझे यार बहुत कुछ बाकी है, अभी हम लोगों ने किया ही क्या है। तो बस आप भी कोशिश करिए और हर आदमी मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी को गाली देकर नहीं, गाली देने के लिए आदमी रूम में बैठकर गाली दे देता है, कहीं भी बैठकर लाइव आकर गाली दे देता है, लेकिन गाली दे देने से आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, अपना कद ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, इसे जिंदगी में मेहनत करके ऊपर आइए। ये हमारे मुरली भैया हैं, बबलू भैया हैं, इधर हमारा हेलो हनुमान संजय यादव जी, और ये हमारे इंदर सर पायलट। तो सब लोगों का प्यार है सबको लेके। इंदर सर हमारे साथ 14 साल से हैं, बबलू भैया हमारे साथ 14 साल से हैं, और मुरली भैया तो बचपन से ही खिलाए भी हैं हमको। तो ये हमारे गांव से हैं, तो हम ये बड़े भाई हैं और हम सबके बड़े भाई हैं। तो ये है कि आज भी मेरे जितने भी प्यार, बचपन के जितने भी लोग हैं मेरे साथ आज भी हैं। उसका रीजन यही है कि आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा कि जो आपको गोद में खिलाया है वो आपको खेसारी जी नहीं बोलेगा, वो खेसरिया ही बोलेगा। तो कोशिश ये हमेशा रखना चाहिए कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वहां सम्मान की जरूरत नहीं, वहां आपको मोहब्बत मिलती है, वहां सम्मान नहीं मिलेगा, वहां प्यार मिलता है। तो जिंदगी है। और कल के विराट कोहली जी का जो शतक था, हैट्स अप है आपको कि आपने अपनी मेहनत से दुनिया को और अपने आप को बदल दिया और दुनिया के आइकॉन बने। जिंदगी में आप मेहनत से ही आइकॉन बन सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत ही किताब बनाती है और उस किताब को पढ़ के दुनिया एक प्रेरणा स्रोत लेती है। तो जिंदगी में कोशिश करिए, जब तक आप जलिएगा नहीं तब तक हथियार का रूप नहीं लीजिएगा। दुनिया का कोई भी लोहा जब तक जलता नहीं तब तक वो हथियार का रूप नहीं लेता, चाहे वो चाकू बने या पिस्टल बने या बंदूक बने या गोली, कुछ भी बने। तो जलना तो आपको पड़ेगा ही। आप फ्लाइट से जाएंगे तो रास्तों का पता नहीं चलता क्योंकि वो आसमान से जाती है, लेकिन जब बाई रोड जाएंगे ना तो आपको रास्ते का पता चलेगा। और बाई रोड में रिस्क बहुत होता है, प्रॉब्लम बहुत होती है। तो कोशिश करिए बाई रोड जाने के लिए, पैदल यात्रा करिए। जिंदगी का
सफर जो होता है ना, वो पैदल जो करता है ना, वो जमीन के अहमियत को समझ पाता है। तो कोशिश करिए आप जिंदगी में बहुत बड़ा बनिए, और दौड़ के, दौड़ने के लिए बहुत ये पूरी जमीन बाकी है, जितना दौड़ कर अपना सकते हो इस धरती को अपना लो। तो हैट्स अप विराट कोहली जी, दिल से प्रणाम आपको, और ईश्वर करे कि आप इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाइए कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर से कोई हिंदुस्तानी पैदा हो और इस रिकॉर्ड को तोड़े। आप 100 शतक नहीं, 150 शतक नहीं, 200 शतक बनाइए, ताकि फिर से एक हिंदुस्तान में आपको देखकर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो आपकी बराबरी करे, और फिर उसकी बराबरी, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और जिसके पास क्षमता होती है वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है। तो कोशिश करिए, लव यू ऑल, और मेरी तरफ से क्रिकेट, हमारे इंडिया के क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू, लव यू।